नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 10 वर्सेस Infinix Smart 5 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Infinix Hot 10 में 6.74 इंच जबकि Infinix Smart 5 में 6.76 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Infinix Hot 10 में 3.06 इंच जबकि Infinix Smart 5 में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Infinix Hot 10 में 0.35 इंच जबकि Infinix Smart 5 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Infinix Hot 10 में 204 ग्राम जबकि Infinix Smart 5 में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Infinix Hot 10 में 6.78 इंचेस जबकि Infinix Smart 5 में 6.82 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1640 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Infinix Hot 10 में 82.34% जबकि Infinix Smart 5 में 82.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Infinix Hot 10 में 264 पिक्सल प्रति इंच जबकि Infinix Smart 5 में 263 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Infinix Hot 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Infinix Smart 5 की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Infinix Hot 10 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Infinix Smart 5 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Infinix Hot 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Infinix Smart 5 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Infinix Hot 10 में Mali G52 जबकि Infinix Smart 5 में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Infinix Hot 10 में MediaTek Helio G70 और Infinix Smart 5 में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो Infinix Hot 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Infinix Smart 5 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Infinix Hot 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Infinix Smart 5 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी Infinix Hot 10 में 5200mAh जबकि Infinix Smart 5 में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Infinix Hot 10 में 4 कलर्स जबकि Infinix Smart 5 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Infinix Hot 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 9499 रुपीज़
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 7,199 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स हॉट 10 में 3 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में इन्फिनिक्स हॉट 10 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में इन्फिनिक्स हॉट 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 है, दूसरा शाओमी पोको M2 प्रो है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 प्राइम है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।